हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड वुमेन हॉस्पिटल से आज आप सब लोगों से बात करेंगे वी बैक यानी कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन। लोग ये बोलते हैं कि अगर एक बार सिजेरियन हुआ है तो सेकेंड टाइम भी या थर्ड टाइम भी सिजेरियन ही होगा। ऐसा नहीं है, एक सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराया जा सकता है और इनफैक्ट इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम में लैक ऑफ नॉलेज के चलते और अपने डर के चलते, डर यानी कि टाँका, मैडम टाँका फट जाएगा यानी कि बच्चेदानी रप्चर हो जाएगी या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये दो डर के चलते अक्सर लोग वी बैक से दूरी बनाते हैं। लेकिन स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर हम लोग केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में जाते हैं तो इनफैक्ट वी बैक से मदर या बच्चे को होने वाली कॉम्प्लिकेशंस रिपीटेटिव सिजेरियन से कम है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुल के बात करें अपने क्लिनिशियन से और अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर करें कि अगर पॉसिबल होगा तो आप सिजेरियन के बाद वजाइनल डिलीवरी के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या तरीके हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि वी बैक की संभावना है या नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले सिजेरियन का इंडिकेशन क्या था। अगर सिजेरियन करने की वजह कुछ ऐसी थी कि जो कि बार बार रिपीट हो सकती है तो वी बैक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यानी कि बच्चेदानी का जो हड्डी का रास्ता है उसका नैरो होना, अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली जब भी प्रेग्नेंट आप होंगे तो सिजेरियन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर पहले सिजेरियन के समय में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए या प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी थी कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गई या किसी और वजह से ड्यूरिंग सिजेरियन या बाद में ब्लीडिंग हो गया जिसकी वजह से रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ी या रीसूचरिंग की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे ये केसेस हैं जिसमें चांसेस की जो स्कार है यानी कि बच्चेदानी पे जो टाँका लगाया गया था वो शायद कमज़ोर हो, और ऐसे केसेस में यूट्रस रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें केयरफुली सोचना पड़ेगा कि क्या हम वी बैक में जाएँ या नहीं जाएँ। या अगर पिछले सर्जरी के डिटेल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने डॉक्टर से वी बैक के बारे में बात करते हैं, तो अपने पिछले ऑपरेशन के डिटेल्स को साथ में लेके जाइए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था कि जिसके चलते सिजेरियन होने के चांसेस दोबारा ज़्यादा हैं, या आपको डॉक्टर ने इस चीज़ की सलाह तो नहीं दी थी कि आप जब भी प्रेग्नेंट होंगे तो आप सिजेरियन ही कराइएगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आप में कम हैं। तो ये सब वो बातें हैं जो आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी रहती है। इसके अलावा अगर हम वी बैक की बात करते हैं तो ये बात हो, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पिछली प्रेगनेंसीज के एक्सपीरियंस से डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि हमें वी बैक में आगे बढ़ना है कि नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी से हमें हेल्प करेगी, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बच्चे का वेट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यानी कि बच्चा दानी के अंदर में जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा है क्या वो नॉर्मल से बहुत कम या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बच्चे की प्रेजेंटेशंस क्या है, उल्टा आधा या कंपाउंड प्रेजेंटेशंस तो नहीं है, ये सब चीज़ें रहती हैं। मतलब कि वो मेडिकल इंडिकेशंस हैं जो आपके डॉक्टर को हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि वी बैक में जाना है या नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स के मन में एक फेयर होता है जिसके चलते वो वजाइनल डिलीवरी से डरते हैं। लेकिन मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अगर हमने केसेस को केयरफुली सिलेक्ट किया है तो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन इसका सक्सेस रेट एज हाई एज 60-70% हो सकता है, और इसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशंस रिपीटेटिव सिजेरियन से कम रहती है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, डरिए नहीं, और खुल के वी बैक के बारे में सोचिए और अपने डॉक्टर से बात करिए। थैंक यू।